जहां चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बड़ी खबर यह है कि आज सिर्फ हिमाचल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको TV9 भारतवर्ष बता रहा है, जहां इलेक्शन कमीशन की अब से थोड़ी देर बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:00 का वक्त, और बड़ी खबर यह कि सिर्फ हिमाचल चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान आज नहीं होगा। 3:00 का वक्त है जब चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमाचल चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। आपको बता दें, जिस तरीके से हिमाचल में आने वाले दिनों में चुनाव है, उसके तहत चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी निर्वाचन आयोग की एक टीम स्टेट का दौरा कर चुकी है, राज्य का दौरा कर चुकी है, और उसी के तहत अब ये रिपोर्ट फाइनल किए जा चुकी है और आज तारीखों का ऐलान भी संभव है। पीयूष पांडे लगातार हमारे को एक एक जानकारी दे रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से की गई तैयारियों का। अब बड़ी खबर पीयूष सामने आई है कि सिर्फ और सिर्फ हिमाचल की तारीखों का ऐलान, आज उसका ऐलान संभव है। जी बिल्कुल सुरभि, देखिए हिमाचल प्रदेश के चुनाव में जो टीम गई थी इलेक्शन कमीशन की, वो दौरा करके वापस आ चुकी है। हालांकि जो गुजरात चुनाव के लिए टीम दौरा करने गई थी वो भी वापस आ चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री के 2-3 कार्यक्रम हैं जो गुजरात में होने बाकी हैं, और इसके अलावा अन्य जो अर्धसैनिक बलों की जो वहाँ डिप्लॉयमेंट होना है, इसके अलावा अन्य कई जो सूचनाएं आ रही हैं उसके मुताबिक ये संभावना कम है कि गुजरात चुनाव की घोषणा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग करे। हालांकि अभी ये स्पष्टता तभी आएगी जब 3:00 चुनाव आयोग विज्ञान भवन में जो चुनाव की घोषणा है वो करेगा। चूँकि जो आमंत्रण आया है चुनाव आयोग की ओर से, उसमें ये नहीं कहा गया है कि किस आधार पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है या प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय क्या है, तो ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि हिमाचल चुनाव की घोषणा पहले कर दी जाएगी। और हिमाचल की जहां तक पीयूष सबसे बड़ी बात है कि जब निर्वाचन आयोग की टीम भी राज्य का दौरा करती है तो हर स्थिति पर नजर रहती है। ऐसे में नवंबर का वक्त, जब मौसम की मार, ऊपरी इलाके ऐसे जहां पर बर्फबारी होती है, साथ ही स्कूलों का वक्त, त्योहारों का उत्सव और सिक्योरिटी, ये सबसे बड़ी वजह होती है जिस आधार पर चुनाव आयोग स्टेट का दौरा करते हुए बड़े फैसले लेता है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे खास बात यह है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो पर्वतीय क्षेत्र है, और वहाँ पर 15 नवंबर के बाद जो बर्फबारी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसी स्थितियों में कई इलाकों में पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि 68 जो सीटें हैं वहाँ पर, उनमें एक चरण में चुनाव कराया जाता है, और इस एक चरण को तब रखा जाता है जो आमतौर पर नवंबर के पहले हफ्ते से नवंबर के दूसरे हफ्ते के बीच में। पिछली बार भी 9 नवंबर को यहाँ पर मतदान हुआ था, और उसके बाद जो निर्णय की घोषणा हुई थी वो 1 दिसंबर को हुई थी। तो ये माना जा रहा है कि जो इस बार के मतदान हैं हिमाचल प्रदेश में वो 9 नवंबर यानी कि पहले हफ्ते या फिर दूसरे हफ्ते तक यानी कि 15 नवंबर के पहले ही करा लिए जाएंगे, या उससे भी पहले कराए जा सकते हैं। तो अभी दोपहर 3:00 चुनाव आयोग जब इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो पूरी स्पष्टता सामने आ जाएगी, और हिमाचल प्रदेश में जो एक चरण में चुनाव होना है वो किस तारीख को होना है ये भी साफ हो जाएगा।